काम के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में दो पटवारियों को निलंबित करने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवारियों ने साधन और संसाधनों की कमी और बिना प्रशिक्षण से काम करने का जिक्र करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कई मांगों का जिक्र किया। सर, हमें प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान इंदौर जिले के अंदर सारे पटवारी बहुत परेशान हैं, बहुत मानसिक टेंशन में कार्य कर रहे हैं। हमारे को समय बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है कार्य करने का, और कहा जा रहा है कि काम करिए, अर्जेंट करिए, तत्काल करिए, और कुछ काम ऐसे लगते हैं कि तत्काल में भी समय की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्तमान में हम लोग अभी CM किसान, PM किसान और मुआवजा पत्रक के अंदर कार्य कर रहे हैं, और इसके अंदर हम लोगों को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और डाटा कलेक्ट करने में हमारे को यह समस्या पड़ती है कि कुछ जो किसान हैं गांव के बाहर निवास करते हैं, उनकी ज़मीन दूसरे गांव में रहती है, कुछ जो इनकम टैक्स पे ही हैं, उद्योगपति हैं, इन लोगों से डाटा कलेक्ट करने में हमको समस्या आ रही है। ये लोग समय पर डाटा देते नहीं है, और हमारे को ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपको कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये काम करो, इनको कंप्लीट करो, समय सीमा चाहिए और कार्य करने के लिए हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमें बताया जाए कैसे करना है। हर बार हर दो दिन में एक नया प्रारूप आ जाता है कि इस प्रारूप में आपको जानकारी दीजिए, हम उस प्रारूप पर काम करते हैं, फिर दो दिन बाद नहीं, ये नहीं, आप इसको ऐसा करिए। समय तो चाहिए, बिना समय के और हमारे पटवारी दिन भर गांव या एंट्री। पटवारी कहाँ कहाँ के पटवारी आए हैं यहाँ पर? ये पूरे इंदौर जिले के पूरे पटवारी आए हुए हैं, सारे सभी तहसीलों से तो यहाँ पे पटवारी आए, क्योंकि सभी को समस्या आ रही है। इन समस्याओं को लेकर हमने कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर साहब के नाम पे, ज्ञापन भी दिया था कि हमारे को प्रताड़ित न किया जाए, कार्य करने के लिए हमको समय दिया जाए। उसके बाद भी हमारे दो पटवारियों को यहाँ पर निलंबित किया गया है, उनकी बहाली का भी हम यहाँ पे हमारी मांग है, उनकी बहाली भी की जाए, और हमारा ये भी मांग है कि संसाधन दिए जाएं, और संसाधन तो हम लोग मैनेज कर ही रहे हैं। और संसाधन यानी कि क्या? संसाधन कंप्यूटर, लैपटॉप दिया जाए, और वो मोबाइल डाटा दिया जाए, क्या समय, और सबसे बड़ी बात हमको समय दिया जाए। हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि रात भर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंदौर जिले में कितने पटवारी हैं? इंदौर जिले में पूरे सभी तहसीलों के 300 पटवारी काम हैं। हाँ सर, और सभी पीढ़ी से काम सभी लगे हुए हैं, स्पेशली कि हम लोग दिन में डाटा कलेक्ट करते हैं, रात को हम ऑनलाइन फीडिंग करते हैं, कभी कभी क्या नेट की समस्या भी आ जाती है, कुछ डाटा जो होता है हमारे पटवारियों पर समय समय पर कई तरह के आरोप भी लगते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो पटवारियों पर आरोप लगते हैं उनकी जाँच किया जाए, अगर वो गलत हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो भी पटवारी के खिलाफ अगर आरोप लगता है उसकी विधिवत जांच किया जाए, उसके लिए एजेंसी बनी हुई है। अगर कोई पटवारी के खिलाफ शिकायत आती है लोकायुक्त में जाए, लोकायुक्त से शिकायत किया जाए, अगर कोई पटवारी एक्चुअल में गलत है, एक्चुअल में गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमारे लिए हमारा कोई वो नहीं, कोई आपत्ति संघ कभी भी उनके साथ में नहीं खड़ा है, जो पटवारी गलत काम करे उसके लिए संघ नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल हमारी मांगे नहीं मानी गई है, तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। आंदोलन इंदौर जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन होगा, और पूरे प्रदेश के पटवारी सब इस बात को लेकर प्रस्ताव रखेंगे और कलम पर हड़ताल करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संभाग अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, यदि पटवारियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे भविष्य में आंदोलन करेंगे, साथ ही काम करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात को प्रमुखता से उठाया गया। वर्तमान समय में जो सबसे अधिक प्राथमिकता का कार्य चल रहा है वो क्षतिपत्रक का चल रहा है, जो सोयाबीन में नुकसानी हुई थी उसका कार्य चल रहा है। अब उसमें समस्या हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के थे किसान, उनके तो हमने दस्तावेज उपलब्ध करवा लिए, पर जो बाहर रहते हैं उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने में हमें समस्या आ रही है। उनके एक तो हमारे पास पते नहीं है, अब ऐसी स्थिति में काम करना बड़ा विकट समस्या आ गई। तहसीलदार है इड्डो के हमारे पर दबाव आ रहा है कि काम आप तत्काल करिए, जबकि ये संभव नहीं है, और ये पैसे से संबंधित मामला है। अगर मान लो किसी को गलत पेमेंट चला गया तो आपराधिक प्रकरण पटवारी पर ही दर्ज होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि हमें समय सीमा दी जाए, हमें आराम से काम करने दिया जाए, नहीं पूरे इंदौर जिले के ही दबाव चल जाएगा। और विगत 10 माह से जो काम पेंडेंसी थी, जो काम राजस्व के नहीं हो रहे थे, वो पटवारियों ने सबने मिलकर करा। एक तो काम की व्यस्तता हमारे पास वो भी ज़्यादा रही कि जो 10 महीने में काम नहीं हो पाए हमने 1 महीने में कर दिए। अधिकारी को ये तो सोचना चाहिए कि अगर इतनी पेंडेंसी निपटी तो किनके बदौलत निपटी है, हम लोग रिपोर्ट नहीं लगाते तो एक पेंडेंसी कैसे निपटती। तो थोड़ा सा ये भी हर चीज़ पर आप पटवारी पर दबाव डालोगे तो संभव नहीं है। देखो, शासन की नीति का हम कभी विरोध नहीं करते, हम हमेशा शासन के सहयोग में रहे, और हमसे जितना बन सका है उससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर कर रहे हैं। हमारे पटवारी साथियों ने रात रात भर यहाँ पे फीडिंग करा, भी पूरी रात रात जगह पटवारी, और चुनाव का जो प्रभाव होगा, चुनाव का प्रभाव तो जो पड़ना है फिर वो वक्त बताएगा। आंदोलन तो करना पड़ेगा, अगर ऐसी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हमें आगे उचित कार्रवाई करना पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।